राइटर की मानसिकता है दिवालियापन। वह लड़का दर्द से बेजार था। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखी गई यह कहानी है जो satyahindi.com पर मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैत्री पुष्पा जानी मानी हिंदी लेखिका है। उनके द्वारा 10 उपन्यास और 7 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से चक, अलमा, कबूतरी, झूला नट और आत्मकथा उपन्यास है। कस्तूरी कुंडली वसे से ज्यादा चर्चित रही है। वे तो महिलाओं के विषय पर लगातार मीडिया में लिखती रहती हैं। ये बात और है कि आज तक मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक और बुर्के के आजादी पर लिखने से बचती रही हैं। अच्छा होता कि फटी जींस का समर्थन करने के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर भी खुलकर लिखती। जब इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो निश्चित ही एक अच्छी लेखिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन के सच्चाई से ज्यादा कल्पनाशीलता कभी न कभी ना कहीं समाज के लिए नफरत फैलाने के लिए वामपंथ लेखकों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। उनका यही चीज हमें बहुत अच्छा लगता है कि झूठ को भी पूरे तथ्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। लोग समझ जाते कि झूठ ये झूठ है, झूठ नहीं बिल्कुल सत्य है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही है। ये पहले उनके द्वारा गाजियाबाद मंदिर में एक नाबालिग जिहादी के द्वारा पानी पीने के बहाने हिंदू देवता और आस्था से छेड़छाड़ और उसके द्वारा और उसके पिटाई को किस प्रकार से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश किया गया है, ये देखते हैं कहानी। उसके बाद हम आपको बताएंगे उसका सच्चाई। उनके कहानी का शीर्षक वह लड़का दर्द से बेजार था। लिखती हैं, यह कैसा हत्यारा समय आ गया है कि आदमी मनुष्य से दरिंदा बस इसलिए बन रहा है कि तेरा धर्म मेरा धर्म करते हुए अपना ही मनुष्य धर्म फूल रहा है, और आज 2 चुल्लू पानी की एवज में आदमी की जान लेने पर उतार हुए। यह किस मजहब में लिखा है कि पानी भी हिंदू और मुस्लिम होता है? जी बिल्कुल, किसी मजहब में नहीं लिखा है कि पानी हिंदू और मुस्लिम होता है। उसके आगे लिखती है, इससे अचंभा कैसा कि वह लड़का पिट रहा था। लड़के की उम्र मुझे 15 से 16 साल तक लगी। कपड़ों से गरीब नहीं, वह अपनी शक्ल सूरत से भी दीनहीन लग रहा था। हाँ, उसे किसी भी सामान्य इंसान की तरह प्यास लगी थी। शायद वह बहुत देर से था और प्यास की उस सीमा तक पहुंच चुका था जहाँ आदमी का हलक सूखने लगता है। ऐसा ना होता तो वह कहीं से भी पानी पीने की जरूरत करता। प्यास उसे कहीं भी देखने की मोहलत नहीं दे रही थी, बस नजर ने खुद बखुद पानी को का स्रोत ढूंढ लिया। यहाँ पे कहती है कि वो लड़का बहुत प्यासा था, और इतना प्यासा था कि उसका गला सूखे जा रहा था। अब मैडम जी ये तो लिख देती कि अगर गला सूखा जा रहा तो गेट के ऊपर 3-3 नल लगे हुए थे। लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है? आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है? उसको छोड़ के क्या उसके आंख में रतौंधी की बीमारी हुई थी? क्या उसे छोड़ के, गेट की नलका छोड़ के, सरकारी नलका छोड़ के, बारात घर की जो नलका लगी उसको छोड़ के वो 500 मीटर अंदर मंदिर में जाकर पानी पी रहा था? इस बीमारी को क्या कहेंगे? फिर आगे कहती हैं, क्या फिर क्या था, वह पागलों की तरह पानी की ओर भागा। मेरे ख्याल में उसे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे पानी उसे किसी नदी या तालाब में दिखा होता तो खैरियत रहती। नदी तालाब उसे विस्तार के चलते बहुत उदार होते। पानी उसे एक नल में दिखा, नल था जिसकी निगाहों में वह नल ही पानी था। पानी के धारा उसके कंठ में जाती महसूस हुई। वो नल के नीचे अंजलि लगाकर पानी पीने लगा। पेट भर पानी पिया तो जैसे जिंदगी वापस आई। तब उसने इधर उधर देखा और वह नहीं देखा जो देखना चाहिए था, और देख भी लेता तो क्या, अपनी प्यास पर उसका बस चलता। आगे लिखते, पानी पीकर वो अपने रास्ते जाने लगा। माने अंदर मंदिर में जाकर के पानी पिया 50 मीटर अंदर, तो
50 मीटर ने 500 मीटर अंदर जाके पानी पिया और अपने रास्ते से जाने लगा। मैंने रास्ता था उसके लिए, रास्ता वही था जहां से सब आते जाते हैं, जो हर राहगीर को उसको उसके घर तक पहुंचाता है। रास्ता उसे अच्छा लग रहा था। अब तो उसने पानी भी पी लिया था, रास्ते में चलना कठिन नहीं लग रहा था। लोग भी उसी की तरह आ जा रहे थे। उसे लगा जैसे उसमें उनमें से कोई प्यासा नहीं है। अगर कोई प्यासा हो तो वो उसे नल का पता बता सकता। नल की जानकारी उसके पास अनमोल सौगात की तरह थी, जिसे वह हर प्यासे को देना चाहता था, और यह उसके लिए कम खुशी की बात नहीं थी। यह कच्ची उम्र का राहगीर चला ही जा रहा था कि सामने से आता एक आदमी देखा। उसने पानी पीते हुए उसे देखा होगा। वह लड़के से पूछ रहा था, पानी पिया? लड़के ने उत्तर दिया हाँ, और नल की ओर इशारा कर दिया, मतलब कि उसने नल से पानी पिया। लड़के ने क्या कहा और आदमी ने क्या सुना, इसकी पड़ताल करने की जरूरत नहीं। वीडियो में दिख रहा कि उस आदमी ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि मैंने अपनी आंखों से बंद कर ली। वीडियो को कैसे कैसे देखूं? बिल्कुल सही कहा मैंने। उसके पड़ताल करने की वामपंथियों को बिल्कुल जरूरत नहीं होता, क्योंकि वामपंथी तो अपने मन से कहानी बनाते हैं। आपको उस लड़के की पिटाई इतनी बुरी लगी कि आपने आंख बंद कर ली? आपने आंखें खोली कब थी? अगर खोली हो आंखें कभी तो जवाब देना जरूर आप इस वीडियो में। आगे बताती है मैडम, आंखें बंद मगर कब तक? जब सोशल मीडिया पर जाऊं तभी आदमी लड़के की चमड़ी उधेड़ता नजर आए, यानी उसकी चमड़ी उधेड़ दिया, लेकिन कहीं से चमड़ी उसका उधरा नहीं। इतने क्रूरता के साथ उस इकहरी देश के बच्चे को मारना कि कोई ढोर पशु को भी नहीं कभी नहीं पीट सकता। निर्दयता के सारी सीमाओं को लांघ गया राक्षस, जैसे नरबच्छी हो। लड़के के पीठ पर बाढ़ हो रहे थे और मैं दर्द से बिलबिला उठी। लड़के की बाहें मरोड़ी जा रही थी और मेरी मांसपेशियों में दर्द की ऐठन पड़ने लगी। खून रिसने लगा उस किशोर की देह से और मैं खूनी धारियां देखकर चीखने हुई बस कर दरिंदे बस कर बोलती। अब मैंने अपने आईपैड बंद कर दिया, मगर थोड़ी देर बाद एक पोस्ट देखने को के लिए खोला तो फिर दृश्य अब की बार मैंने वह वीडियो हाइड कर दिया, या मैं ही हाइड हो गई। लड़के का जानलेवा दर्द मेरे सारे बदन में था या दिल को माथे में डाल रहा था। नहीं, मुझे एक दर्दनाक शर्म ने दबोच लिया जब सुना कि लड़का मुसलमान था और उसने मंदिर के नल में से पानी पी। लड़का पढ़ा लिखा था या नहीं, उसने नहीं देखा कि नल के पानी के लिए क्या लिखा है। उसने नहीं जाना कि नल का हिंदू है और वह खुद मुसलमान है। नलके का पानी हिंदू और लड़के तेरी प्यास मुसलमान है। लड़के तू प्यासा और तेरा प्यास था कि नहीं देखा नलका मंदिर के पास है और मंदिर हिंदू है। हिंदू मंदिर में के नलके के लिए सावधानी लिखी है, मुसलमान यहाँ पानी नहीं पियेंगे। बस इस असावधानी के नतीजे में तुझे सजा मिली, ऐसी सजा जिसे देह चमड़ा कर दी। मैडम बड़े उससे लिखती है, पानी वे जमाने कहाँ गए? हाँ, हमारे पूर्वजों के जमाने जब रास्तों में जगह जगह प्याव लगा दी जाती थी और राहगीरों के लिए पानी पिलाने के सिवा किसी का कोई अन्य धर्म नहीं होता था। राहगीरों को पानी पिलाना पुण्य कर्म करना माना जाता था। उस जमाने की तरक्कियां कम भले रही हो, लेकिन मानवीय भूल मानवीयता भरपूर थी। यह कैसा हत्यारा समय कि आदमी मनुष्य से दरिंदा बस इसलिए बन रहा है कि तेरा धर्म मेरा धर्म करते हुए अपना मनुष्य धर्म भूल रहा है। आज 2 चुल्लू पानी के अवज में आदमी की जान लेने पर उतार हुए। यह किसकी मजहब में लिखा है कि पानी हिंदू और मुस्लिम होता है? किसको दिखाते हो अपनी आधुनिक उपलब्धियां, तकनीकी विद्याएं, धरती से अंबर तक, गुरान और मंगल ग्रह तक पहुंचने के मंसूबे? यह सब होता है, सब बेकार है, व्यर्थ, जब तुम किसी मनुष्य के साथ मनुष्यता से पेश नहीं आ सकते। कोई धर्म यह नहीं कहता और कोई नीति शिक्षा यह नहीं कहती कि प्यासे को पानी मत दो, भूखे को रोटी मत दो। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी भूखे प्यासे के लिए एक ही धर्म बताया, वह है दया, करुणा और प्रेम। संवेदना विहीन आदमी तो पशु से भी बदतर है और कोई भी धर्म बिना संवेदना के धर्म नहीं कहा जा सकता। ये सारे कहानी उन्होंने पुष्पा मैत्री जी ने अपने इस कहानी में लिखा है। कहानी का शीर्षक है वह लड़का दर्द से बेजार था। मैडम बताती है कि
वो लड़का मंदिर के अंदर पानी पीने गया। मैडम जाके कभी उस मंदिर पे देखना कि क्या बाहर से कोई नलका दिखाई देता है मंदिर के अंदर। दूसरी बात, मंदिर के आसपास गेट के से बाहर ही 3 नलका है, ऐसा कौन सा अंधापन था उसमें कि मंदिर के 500 मीटर अंदर उसे नलका दिखाई दिया और बाहर दिखाई नहीं दिया। तीसरी बात, क्या करुणा भाव और प्रेम का सारे ठीका हिंदुओं ने ले रखा है? जिहादी वहां पे जाके लड़कियां छेड़े, हमारे हिंदू देवताओं के देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियों को दूषित करे और हिंदू उसको देखता रहे। तीसरा, आप शायद लेखक के एक धर्म भूल गई हैं। आपको दोनों पक्ष को जानना चाहिए था कि दोनों पक्ष क्या है, उसके बाद कहानी बनाना चाहिए था। आप ऐसे आपने अच्छी कहानी बनाई है, कहानी कहानी की तारीफ की जा सकती है, आपकी कल्पनाशीलता भी अच्छा है और यही कल्पनाशीलता तो वामपंथियों की है जो झूठ को भी आरोप को भी तथ्य के साथ पेश करते हैं ऐसे कि वो सच लगते हैं लगने लगते। सच क्या है वो मैं आप दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो इस कहानी में पूरी कहानी को किस तरह से मोड़ा गया है, किस तरह से मरोड़ा गया है, किस तरह से एक पक्ष को दिखा गया है और एक पक्ष को कल्पनाशीलता बनाते हुए लिखा गया है, ऐसी जैसे कल्पनाओं की कहानी हम कॉमिक्स लिखते हैं। कहीं भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं किया गया। आप जानती है एक लड़के लिखा गया कि लड़के की चमड़े उधेड़ दे गए, उसके चमड़े में कहीं चोट नहीं लगी, कहीं उसे खून नहीं निकला है। और बदले में उसे हिंदुओं ने तथाकथित हिंदुओं ने 8 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। वो तो देखते देखते ही अमीर बन गया और अगले अगले लड़के भी कोई आएगा वो भी ऐसे करने की कोशिश करेगा कि रात रात अमीर बन जाए। कमाना तो उनको है नहीं, चोरी करनी चकारी करनी है, कमाना तो है नहीं, ऐसी 8 लाख रुपए मिल जाए। दूसरी बात, एक लेखक की क्या धर्म है, उस धर्म को निभाना बहुत जरूरी है जो आपने नहीं निभाया। आप भले ही इतने बड़े राइटर हैं, इसके लिए आपके सम्मान है, लेकिन आपने यहाँ पर राइटर लेखक होने की कोई धर्म नहीं निभाया क्योंकि आपने दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की और बताने की कोशिश नहीं की। काश शायद आप दोस्तों ने दूसरे पक्ष भी जान लेते तो शायद आपको ये वीडियो देखना नहीं पड़ता। बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने, लेकिन पानी पीने देखिए, पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है? आप देख लो सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है, उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते रहते 4 बार डकैती पड़ी, आप लोग इंटरव्यू लेने कभी नहीं आए। और यहाँ मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए, ये इस मंदिर का इतिहास है। आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज एक हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहाँ आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहाँ आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है माँ की और महादेव की उससे पूजा करें, मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूँ। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूँ। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं, हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहाँ PFI हमारा कत्ल करना चाहती है, यहाँ ओबीसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारी 20 FIR है। हमारे यहाँ पंचायत करके मुसलमानों ने ये कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर BS तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने CCTV कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब कि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे? ये
बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने उसको लेकिन पानी पीने देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है। आप देख लो सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है, उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी डकैती और लूटमार, इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी मेरे महंत रहते रहते, 4 बार डकैती पड़ी, आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहां मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए, ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज एक हम लोग यहां पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहां आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहां आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है माँ की और महादेव की उससे पूजा करें, मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूं। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं, हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहां पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहां ओबीसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारी 20 एफआईआर हैं। हमारे यहां पंचायत करके मुसलमानों ने यह कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर बीएस तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे?